नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 11वीं की हम 19वीं कविता करेंगे। कविता का नाम है डंका, कवि का नाम है सुब्रमण्यम भारती। पहले हम कवि परिचय सुनेंगे। मूलतः तमिल कवि रचनाकार सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु के एहियरमपुरम गांव में हुआ था। उन्हें महाकवि भारतियार के नाम से भी जाना जाता है, अतः आपको भारती उपनाम से ही पुकारा जाने लगा। भारती एक जुझारू शिक्षक, देश प्रेमी नागरिक और महान कवि थे। आपकी देश प्रेम की कविताएं सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने गद्य और पद्य की 400 रचनाओं का सृजन किया, जिसमें स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी, इंडिया, सूर्योदय, कर्मयोगी आदि तथा बाल भारत अंग्रेजी साप्ताहिक के संपादन में सहयोग किया। प्रस्तुत काव्य तमिल से अनुदित है। लले आ कविता छे ए तमिल में लखेली हती अने हिंदी में एनु अनुवाद कर्यो छे। इसमें कवि ने शहरों को रहने योग्य बनाने की कामना की है। जाति व्यवस्था की निर्दयता को खत्म करना चाहा है। रोजी रोटी तथा औरतों के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रकट किया है। ईश्वर एक ही है, अतः संघर्ष व्यर्थ है। कवि वसुदेव कुटुंबकम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश देते हैं। कवि शू कहजे के हमेशा जाति व्यवस्था में रही अने संघर्ष करवानु नहीं, परंतु शू करवानु छे के जाति व्यवस्था ने खत्म करवानी छे, बधाने रोजी रोटी मळे एवुं करवानु छे अने स्त्रीओ प्रत्ये मान भावना राखवानी छे। हवे आपणे कविता कहशुं विद्यार्थी मित्रों। मुझे बताने दो वो बात जो मैं सारे शहर के लिए अच्छी है। मुझे बताने दो सच की जिससे मैं जानता हूँ। इस काम में भगवान मेरी मदद करेंगे। कवि कहे छे के मने एक बात बतावा दियो जे आखा शहर माटे सारा में सारी छे, अने मने हाँ बे बात एवी साची पर कहवा दियो जे हूँ जाणूं छूं के आ बात कहवामां, आ काम करवामां भगवान मारी मदद करे। जाति व्यवस्था की निर्दयताओं को आओ खत्म करें। दुनिया रहने के लिए खुशहाल हो जाएगी। एक दूसरे की रोजी रोटी में आओ मदद करें और तरह तरह के धंधों को उत्कृष्ट बनाएं। कवि कहे छे कि आओ बधाए साथे मळीने आपणी जे जाति व्यवस्था छे, आ हिंद के आ लोहाणो छे, आ हिंदू छे, आ ब्राह्मण छे, आ मुस्लिम छे, ए जे कोई पण जाति व्यवस्था छे एने आओ आपणे बधाए खत्म करी नाखीए अने आखी दुनिया खुश खुशहाल रहे एवं आपणे बनावीए अने एकबीजाने रोजी रोटी माटे जीवन जीवा माटे आपणे बधा मदद करीए अने हाँ अलग अलग प्रकारना जे धंधाओ छे एने आपणे विकसावीए, बधा साथे मळी अने काम करीए। परमात्मा ने स्त्रियों को विवेक बुद्धि दी, पर दुनिया में किसी मूर्ख ने उनकी राह रोक दी। कैसे कि भगवान ने स्त्रियों ने सारी मजने विवेक बुद्धि दी आपी छे, परंतु दुनिया कोई एक मूर्ख मानस हसे ने एने एनी बुद्धि ने रोकी दीधी छे कि स्त्री सशक्तिकरण की बात जे फक्त पुस्तकों में रही गई छे। स्त्रियों ने एक खाली शोभानुं साधन ज गणवामां आवे छे, ए आगळ वधे भणे गणे तो कोई समाज ने गमतुं होतुं नथी। यह कहाँ की बुद्धि मानी है कि एक आँख बंद कर ली जाए और सारी दर्शनीयता की खराब कर ली जाए, कि आ केवी बुद्धि मानी बात छे कि आपणे भगवाने बे आँख आपी छे पण एक आँख बंद करीए अने बीजी आँखथी आपणे जोईए तो एनाथी का दुनिया सारी देखाय કે ખરાબ જ દેખાવાની છે ને, એટલે એમ કે સ્ત્રી અને પુરુષ એ બંને સમાન હોવા જોઈએ। ઔરતો કી મેગા કો યદી બઢાવા દિયા જાય તો વે સંસાર સે અજ્ઞાન કે અંધકાર કો ભગા દેંગી। કહે છે કે સ્ત્રીઓને બુદ્ધિને જો એને આગળ વધારવામાં આવે તો એ છે આ સંસારમાંથી અજ્ઞાનનો જે અંધકાર છે એ દૂર કરી દેશે। અને સાચી જ વાત છે, સ્ત્રીઓ હોય એ પોતાના ભણેલી ગણેલી હોય તે પોતાના સંતાનોને ભણાવી શકે, પણ અભણ હોય તે ભણાવી શકે નહીં, એને સાચી સમજ ન આપી શકે। સભીજન ઉસી ઈશ્વર કી સ્તુતિ કરે કરતે હૈ જો વિશ્વ બ્રહ્માંડ કો ચલાતા હૈ।
सर्वत्र पूरे विश्व में एक ही ईश्वर व्याप्त है, इस बात को लेकर संघर्ष की कहाँ गुंजाइश है कि बधाई लोगों एज ईश्वर ने स्तुति करे छे कि जेने आखा विश्व ने बनाव्यो छे अने आखा ब्रह्मांड ने ए चलावे छे। बधी ज जगह विश्वनी अंदर बधी ज जगह एक ज ईश्वर व्याप्त रहेलो छे, छतां लोको आ मारो भगवान आ तारो भगवान एवी वातो करवानो संघर्ष करे छे, एमां क्या एने स्थान छे? खरेखर तो ईश्वर कोण छे? एक ज छे। सभी लोगों भाइयों की तरह रहे इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया है सभी को अच्छी तरह बसाने के लिए, फिर क्यों करें हम युद्ध एक दूसरे से बिना वजह? कैसे बधा लोगों भाइयों की जेम रहे आ दुनिया छे ई बधाई माटे छे, तो चालो आपणे हळी मळीने किम न रहीए। अने आ दुनिया छे ए शू छे के भगवाने बनावी छे, तो बधाई एमां वसवानुं छे ज, એમાં કોઈ ઈર્ષા દેખાય કરવાની નથી। અને શા માટે આપણે વિશ્વમાં કે દુનિયામાં કે એકબીજાની સાથે કારણ વગરના લડાઈ ઝઘડા કરીએ કે જમીન માટે, ઓ વસ્તુ માટે, ઓના માટે, સામાન્ય નાની વાત માટે પણ લોકો ઝઘડતા હોય છે, તો શું કામ આપણે ઝઘડીએ? બધા સાથે હળી મળીને ન રહીએ? આવો દેખે દુનિયા કે હર આદમી કે લીએ ખાને કો કાફી હૈ યા નહીં, લોકો કો શિક્ષિત કરો, અપની જમીન જોતો કહેશે। ચાલો ચાલો આપણે બધા સાથે મળી અને દુનિયાને જોઈએ, દુનિયાના દરેક વ્યક્તિને જોઈએ કે બધાને ખાવા પીવા માટે પૂરતું મળે છે કે નહીં, આપણે જોવાની આપણી ફરજ બને છે। ચાલો જઈએ અને હા, લોકો ભણેલા ગણેલા છે કે નહીં, ભણે છે કે નહીં, અને જો ન હોય તો ચાલો ચાલો ખાવા પીવા માટે આપણે આપણી જમીનને ખેડીએ, એમાં અનાજ ઉગાડીએ। और अच्छा जीवन बिताओ, कभी भी दूसरे की हक न मारो, अने सारी रीते जीवन पसार करो, क्यारे ये कोई बीजाने वस्तु ने ऊपर पोतानो हक न जमाओ के आ मारू छे, आ मारी जमीन छे, एम खोटी रीते के साची रीते कोई हक जमावो नहीं। दुनिया के हर इंसान को समानता मिले पर किसी का नुकसान न होगा, बल्कि दुनिया मुक्त होगी। कि आप एवं करिए कि दुनियाना दरेक व्यक्ति ने समानता मळे, કોઈને નુકસાન થાય નહીં। ચાલો ચાલો આપણે બધાએ એવી દુનિયા બનાવીએ કે જે મુક્ત રીતે રહે। ધન્યવાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો।